अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बैक प्लेट के साथ हम शेडो कैचर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बैक प्लेट से मुराद ये है कि आपने कोई इमेज ली हुई है और उसके अंदर आप कोई 3D ऑब्जेक्ट रखना चाह रहे हैं, जैसा कि इसके अंदर है कार। ठीक है, और इस कार को हमने उस इमेज के ऊपर प्लेस किया हुआ है। मेरे पास इसी इमेज की कुछ बैक प्लेट्स मौजूद हैं और जो जिसके अंदर मैंने कार रखी थी वो ये वाला इमेज है। ठीक है, इस जगह पे कार पड़ी है जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सेम इमेज है। ठीक है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी एडिटिंग की है फोटोशॉप के अंदर ताकि वो मैच हो जाए, थोड़ा सा भी फर्क नजर ना, एक फिल्टर लगा दिया ऊपर। ठीक है, तो इसी तरह अब इकराम साहब का क्वेश्चन ये होता है कि आपने मॉल के अंदर कोई एग्जीबिशन स्टैंड रखना, तो वो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं आप उस चीज़ को। तो अब मसला ये है कि आपने पहले तो अच्छी फोटोग्राफी कर लेनी है और ये सारे जो है ना वो आप देख लीजिए तकरीबन 4-5 फुट के लेवल से उसने फोटोज़ ली हुई हैं या उससे कम लेवल पे। ठीक है, इससे ऊपर ह्यूमन आई जो है ना वो थोड़ी सी, जैसे ये ऊपर है मेरे ख्याल से, शायद ये ऊपर है, तो यहाँ पर थोड़े से ऑड एंगल्स बन जाते हैं, तो वो नहीं बनाने। आपने कोशिश करनी है कि 4 फुट मैक्सिमम हो जाए, उससे नीचे नीचे रहें, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप जारी बात है बना सकते हैं। पहले तो हमें बैक प्लेट चाहिए और बैक प्लेट के साथ हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया और इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। फिर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमारा फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ का मतलब है कि लेंस कितने mm का इस्तेमाल हुआ है। हम इस लेंस को अपने क्रोना के अंदर यानी कि मैक्स के कैमरे के साथ मैच करेंगे तो एग्जैक्ट सेम व्यू हमें मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए होता है बैक प्लेट के अलावा, हमें HDRI मैप चाहिए होता है, जो कि हमारे पास, ये मैंने फोटोशॉप में खोल लिया, ये आप देख रहे होंगे कि ये 360 डिग्री इसका पैनोरामा HDRI मैप। ठीक है, अब पैनोरामा दो किस्म के होते हैं, एक तो आपने जो बनाया था अभी व्हाट्सएप पे वो 180 डिग्री है, ठीक है, ये 360 है। 360 क्या है कि ये रोड के नीचे से ले, यानी कि रोड से लेकर और आसमान तक, स्काई तक है, और इधर से जो लेफ्ट वाला ट्री कट रहा है वो दूसरी जगह से कंटिन्यू हो रहा है, तो ये हर जगह इसमें कवर हो जाती है, तो इसके लिए इसको हम 360 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हों तो फिर आप जो है वो कर सकते हैं, बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं इसकी प्रैक्टिस। ठीक है जी, एक मैं पहले तो टीपॉट लगा लेता हूँ। ठीक है, हमारा रेफरेंस टीपॉट होगी, आप सेटिंग इसके ऊपर करें टीपॉट या कोई भी हल्का फुल्का ऑब्जेक्ट, और जब आपका हो जाए सारा मामला हल तो बाद में आप उसको शिफ्ट कर लें ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा, ये वाला मटेरियल एडिटर ठीक है यहाँ के दूसरे? यहाँ पर हम पहले तो हम बनाएंगे क्रोम का मटेरियल। क्रोम के मटेरियल का फ़ायदा ये होता है कि हमें रिफ्लेक्शंस नज़र आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको मिनिमम करके इसको मैक्सिमम कर दें और इसको 99.99 कर दें। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या मटेरियल तैयार हो गया, क्रोम का। अब वही सिंपल मेथड है कि एक आप प्लेन भी लगा ही लें नीचे। ठीक है, और यहाँ पर आकर आप फिलहाल बेस का मटेरियल बना दें और इसे अप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ तक तो हर चीज़ क्लियर है आपको। अभी क्या है कि हमने HDRI लोड करवानी है और वो आपको पता है कि कैसे हम लोड करवाते होते हैं। ये वाला पाथ मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर जाके बिट मैप पाथ पेस्ट किया, तो ये हमारे पास HDRmaps.com की फ्री HDRI पड़ी हुई है। अच्छा, HDRmaps.com मैं बता रहा था पहले तो वो स्किप हो गया मेरे ख्याल से, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये HDRmaps के अंदर आपको ये जो HDRI नज़र आ रही है ना, इसके अलावा बहुत सारी HDRIs पड़ी हैं जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे आपको इंटीरियर की HDRI चाहिए। ठीक है, ये स्टूडियो की HDRI है लेकिन पेड कंटेंट है सारा। ठीक है, अब इसके अंदर आप ढूंढेंगे ना तो एग्जीबिशन हॉल भी मिल जाएंगे, वेयर हाउसेज भी मिल जाएंगे और शायद मॉल्स भी मिल जाएं। ठीक है, तो वो अब जो आपको
एग्जैक्ट आपके जिस इस्तेमाल की लग रही है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा 10 यूरो, तो फिर आपको ये मिलेगी। कोई भी आपको चाहिए तो आप उसके अंदर चले जाएं, डाउनलोड करने से पहले चेक कर लें कि उसकी बैक प्लेट्स मौजूद हैं कि नहीं। तो ये बैक प्लेट्स इसकी पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये जिसके साथ बैक प्लेट्स हैं वो डाउनलोड करें, जिसके साथ बैक प्लेट नहीं है उसे डाउनलोड करने का फ़ायदा नहीं है। किस सूरत में फ़ायदा नहीं है कि जब हम बैक प्लेट इस्तेमाल करना चाह रहे होंगे तो होगी, नहीं तो हम क्या करेंगे। लेकिन अगर बैक प्लेट के बगैर कोई चीज़ आपको मिल रही है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ लाइटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसे, ठीक है। अब जैसे ये है, ये कोई वेयर हाउस है, तो इसके अंदर ये पेड, यानी कि आप कहीं इस जगह पे कोई भी चीज़ रख सकते हैं, अपना एग्जीबिशन स्टैंड रख लें, गाड़ियाँ रख लें, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी। तो फिलहाल ये वेबसाइट है, आपने यहाँ से कर लेना मतलब डाउनलोड। ये बैक प्लेट के लिए हम HDR ये ले लें, हम बैक प्लेट के लिए कोई और चीज और इमेज यूज कर लें। वो कर लेंगे, लेकिन आगे आगे आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्शंस भी मैच करवानी होती हैं, ठीक है। अब आप कोई इमेज, जैसे वेयर हाउस का इमेज HDRI के मैप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, और बैक प्लेट आपकी आउटडोर की हो, तो वो आपको पता है फिर क्या बनेगा उसका, तो अजीब ही चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए बैक प्लेट होना ज़रूरी है। और अगर आपने खुद से जैसे पैकेजेस मॉल है उसका बनाना है ना, तो आप एक अच्छा कैमरामैन हायर कर लें जो आपको उसका पैनोरामा बना के दे 360 डिग्री, और उसकी रॉ फाइल आपको दे, ठीक है। उसको आप एज HDRI इस्तेमाल कर सकते हैं, और HDRI बनाते कैसे हैं वो मैं आपको तरीका बता दूंगा। जब हमारे पास रॉ आएगी ना फाइल, उसको हम फोटोशॉप में एडिट करके 32 बिट फॉर्मेट के अंदर निकाल सकते हैं, और इसके अलावा HDRI बनाने का मतलब तरीका मतलब भी होता है। रॉ मैंने खींची हुई है पिक्चर्स इसकी ना मॉड के लिए। वो फ़ायदा नहीं है ना, हमें तो वो चाहिए 360। वो जो आपने खींची है ना, वो आप एक प्लेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, उससे लाइटिंग शाइटिंग कुछ नहीं ले सकते, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, वो जो आपकी पिक्चर्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इसके बाद। तो इसको ये मैं लोड करवा रहा था, ओके करता हूँ, और इसका अभी यहाँ पे आ जाएगी, इसका मैं इंस्टेंस यहाँ पे रख लेता हूँ। ये आ गई जनाब, इन्वायरमेंट है बिल्कुल ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमारी, और यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं स्टार्ट इंटरेक्टिव ऑन करके। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये आपकी HDRI सेट हो गई है। तो एक हिस्सा जो हमने था इसका कवर कर लिया, इसके टोटल दो हिस्से हैं। अब हमने क्या करना है, बैक प्लेट लगानी है, ठीक है, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन से मुराद आप समझ रहे हैं ना, अब आपको इसमें नजर आ रही होगी, ऐसी है ना। सर मैं HDRI लगाता हूँ, ये ऐसे शो नहीं करता विंडो में। अब वो मैप दूसरा इस्तेमाल करते हैं, नहीं, व्यू पोर्ट में ये चीज नजर नहीं आती है रेंडर में। वो आती है ना, वो मैं वही कह रहा हूँ, मैप आप दूसरा इस्तेमाल करते हैं। एक मिनट जरा होल्ड करें। अगर आप किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर या डिज़ाइनर का HDRI यूज़ करेंगे ना, तो उन्होंने नीचे से बैकग्राउंड उड़ाई होती है, काली की होती है या ग्रे की होती है, इसलिए आपको नीचे कुछ नज़र नहीं आता और ऊपर ऊपर सब कुछ नज़र आ रहा होता है, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया मसला हल, लाइटिंग तक का। अभी हमने क्या करना है, अपनी बैक प्लेट चूज़ करनी है कि जिसके आगे हम रख के इसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास बैक प्लेट्स मौजूद हैं, मैं मिसाल के तौर पे सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, ये वाली बैक प्लेट है, ठीक है, या ये वाली ले लेते हैं फर्स्ट वाली, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ है 98 mm, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 98 mm लिखा भी हुआ है, और सारी सेटिंग भी लिखी हुई है, F11 1/4640 सेकेंड, ये क्या है, शटर स्पीड है। तो हम ये वाली बैक प्लेट चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट होने लगी हैं। एक तो इसको, इमेज को हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और बैक प्लेट में फर्स्ट इमेज ये आ गया। दूसरा काम आपने ये करना है कि इसको आपने पहले, इसको हमने इन्वायरमेंट में रखा हुआ था ना HDRI को, तो HDRI मैंने आपको बताया हुआ है दो जगहों पे प्लेस हो सकती हैं, एक तो आर्ट वाली इन्वायरमेंट में जो आर्ट प्रेस करके आती है, और दूसरी सेटिंग के अंदर जो यहाँ पर होती है। तो हम यहाँ पर चेंजेस करने लगे हैं, ये HDRI जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही थी वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, या इसकी कॉपी रख लें जैसे मर्जी कर लें, यहाँ की बजाय ना आप इसकी इसको इंस्टेंस करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे। अब क्या हुआ है, हुआ ये है कि यहाँ पर भी वही काम कर रहा था और यहाँ पर भी वही काम कर रहा है, लेकिन इस जगह को हम बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब वो स्टेप आप अभी क्लियर हो जाएगा, ये मैंने जैसे ही लगा दिया, आपने इसको यहाँ से इन्वायरमेंट की बजाय स्क्रीन मोड के अंदर ले जाना, स्फेरिकल इन्वायरमेंट की बजाय स्क्रीन मोड के अंदर ले जाना। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऑल्ट बी प्रेस करेंगे, ऑल्ट बी, और यूज इन्वायरमेंट बैकग्राउंड, अप्लाई टू एक्टिव व्यू, और ओके। ठीक है, समझ आई अब, क्योंकि ऑल्ट बी के अंदर वो ये वाली इन्वायरमेंट से इमेज नहीं उठा सकता, वो यहाँ से उठा सकता है या कोई और इमेज लेके आ सकता है, लेकिन हमने क्योंकि बैक प्लेट से एडजस्ट करनी थी इसलिए हमने ये किया है। अब आपने क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर दें, अब ये आपके सामने सेट है, ठीक है। आप एक तो काम करें, टॉप व्यू में जाकर इस जगह पर कैमरा फिट करें, स्टैंडर्ड फिजिकल कैमरा, इसको बिल्कुल सीधा रखें। तो हमने ये कैमरा यहाँ पे प्लेस कर दिया बिल्कुल फ्रंट पे, ठीक है। अब क्या करना है, सी प्रेस कर देना, आपने कैमरे में चले जाना। दूसरा काम आपने ये करना है कैमरे के अंदर कि आपने ये जो इसकी सेटिंग है, जैसे कि हीरो साहब आपने याद रखना है एफ स्टॉप कितना है, F11, ठीक है, और आपने याद रखनी है ये वाली सेटिंग, एक्सपोजर जो है ना, शटर 1/640, 640, 11, और मैं याद रखूंगा ये फोकल लेंथ 98 mm, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो मुझे याद है, मैं पहले वो अप्लाई करता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ, हमने क्या करना है, ये फोकल लेंथ की जगह इसको कर देना 98 mm, ठीक है। अब दूसरा क्या था, अपर्चर 11, और आपको मैंने क्या बताया हुआ था, शटर 640। यहाँ पर इस चीज़ का कोई हमें फर्क नहीं पड़ता इन दोनों चीज़ों का, जब तक हम डेप्थ ऑफ फील्ड या शटर स्पीड इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये आपको पता है कि ये उसके लिए मोशन ब्लर के लिए इस्तेमाल होता है और ये डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए, तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन सेटिंग का अप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है, वो आपने कर दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो 98 mm का ये लेंस था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको बस इस जगह पर, किस जगह पर प्लेस करें। अब ये 98 mm का लेंस है, हम लेंस को नहीं छेड़ेंगे, हम अपने कैमरे की मूवमेंट पीछे करेंगे। तो मैं मल्टीपल व्यूज़ निकाल लेता हूँ विंडोज़ में, तो इस जगह पर हम चले जाते हैं कैमरे में और इस जगह पर टॉप व्यू में आ जाता हूँ, ठीक है। अब हमें क्योंकि टीपॉट इतनी बड़ी नहीं ना दिखानी, तो मैं इसको पीछे मूव कर लेता हूँ, ठीक है जी, और इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे मूव कर ले, ग्रिड से वैसे ना ही नीचे जाएं, कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, समझ आ रही है ना आपको। और इधर कैमरे की हाइट शाइट डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करती, बस आपके व्यू के अंदर जो है ना वो सही नज़र आना चाहिए बस, जैसे कि अभी ये हो गया, ठीक है जी। अब ये हमारी हो गई कैमरे के हिसाब से सेटिंग। अगला स्टेप ये आता है कि आपने रेजोल्यूशन मैच करनी है। रेजोल्यूशन क्या है, 3000x2002, ठीक है जी, 3000x2002। अच्छा, तो हमने जो भी देखना है वो इसकी रेजोल्यूशन देखनी है 3000x2002, तो वो हमने एग्जैक्ट इसके इसकी सेटिंग में जाके लगा देनी है। कितनी थी, 2002 है, तो शिफ्ट एफ पहले दबा लें, तो विड्थ में 3000, 2002, ठीक है जी। तो ये एग्जैक्ट वो रेजोल्यूशन आ गई जो कि हमें बैक प्लेट की यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, 3000x2002। तो यहाँ तक अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो बता दें, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अभी हम काफ़ी करीब करीब पहुँच चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर इसको सेव कर लेते हैं पहले, और ये थी हमारी
क्लास 3 है, तो यहाँ पर हम बैक प्लेट के नाम से रखते हैं। बैक प्लेट 001, ठीक हो गया। इस जगह पर अब मैं जब इसको इंटरेक्टिव चलाऊंगा तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट दे रहा है जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी इसको वक्ती तौर पे ऑफ कर देता हूँ, Alt B में जाकर यूज कस्टमाइज कलर और इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल सिर्फ दिखाने के लिए है अभी। और अभी मैं जब इसको करता हूँ वापस, तो एक तो ये हमारा कैमरा लग चुका है ना, तो कैमरे के अंदर हमने क्या करना है, एक्सपोजर वैल्यू खत्म करनी है। तो सिलेक्ट कैमरे में जाकर इसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट इंटरेक्टिव, तो ये अब कुछ नजर आना शुरू हो गया। लेकिन ये जो आप पीछे HDRI देख रहे हैं, ये हमारे बैक प्लेट के हिसाब से सेट नहीं है, ऐसे ही है। तो अब हम दोबारा एक काम करने लगे हैं, और वो ये होगा कि इसको दोबारा से हम इधर इंस्टेंस करने लगे हैं, ठीक है। और Alt B में जाकर दोबारा से यूज एनवायरनमेंट ऑन करने लगे। और इसको शेडिड कर देते हैं और यूज एनवायरनमेंट मैप। अच्छा, ये मेरे ख्याल से रिप्लेस नहीं हुआ अभी। एम में जाते हैं, ये वाला था HDRI, मैंने गलत कर दिया, इसको इंस्टेंस कर दें, तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये व्यू नज़र आ रहा है ना, ये वाला व्यू यहाँ पर आपने लेके आना है। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि हम इसको ऑफसेट करना शुरू करें, ठीक है। और ये आ गई रोड, ठीक है। बल्कि हमें दूसरी साइड पे जाना है ना, एचडीआरआई का ये HDRI रोटेट हो रही है। अच्छा, HDRI का भी वो होता है, एक सेटिंग होती है जहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आना शुरू हो जाती है, लेकिन वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो तकरीबन ये है वो। अगर गौर करें, मैं इसको फ्लिप कर दूँ तो ये उसमें चली जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसकी जो टाइलिंग है वो माइनस में करनी पड़ेगी ताकि ये फ्लिप हो जाए। ये आ गया, तो वापस आ जाए ये। अब ये इसका बैकग्राउंड देखिए और हमारी बैक प्लेट देखिए, ये तकरीबन सेम हो गया, ऐसे ही है। ये देखें, ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये है, ये वाले ट्रीज यहाँ पर हैं, और ये जो डार्क से शेड आ रहा है वो ये आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। थोड़ा सा वो डिफरेंस है, वो भी अभी क्लियर कर लेते हैं। वो हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, यानी कि 27.5, तो नहीं, पॉइंट्स में शायद ये ना आ जाए, 26.28 पे ही जा रहा है, -0.28 मेरे ख्याल से। ये वाला 27 ठीक है तकरीबन, सही है। अब इसका हमें फायदा क्या हो रहा है, इसका फायदा ये हो रहा है कि अब लाइट आपकी बैक प्लेट से मैच हो जाएगी। कैसे होगी कि स्टार्ट इंटरेक्टिव, ये देखिए लाइट मैच होना शुरू हो गई है, ऐसे ही हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फिर दोबारा मटेरियल एडिटर में जाऊँगा और इस इमेज को HDRI के साथ रिप्लेस करवा दूँगा, ठीक है जी। और Alt B दबा के अभी इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ तक ये चीज़ हो गई, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो बता दें, क्योंकि आगे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ स्टार्ट होने लगी। कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि, वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो 2-3 बार देखेंगे ना तो वो क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि अभी फिर ये रिप्लेसमेंट शुरू होने लगी है, इधर उधर मैप हमने करने हैं। अब लाइटिंग हमारी HDRI से सेट हो चुकी है, लेकिन हमने बैक प्लेट यहाँ पर दूसरी लेके आनी है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाई है, ठीक है जी।
अब क्या करना है, क्योंकि ये जो मैप है ये हमने डिस्प्ले के लिए भी इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट विजिबल ओवरराइट, ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ पर इंस्टेंस कर देंगे, ठीक है जी। और अब हम स्टार्ट इंटरेक्टिव करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको ये इन्वायरमेंट पे शिफ्ट हो चुका है, इसको स्क्रीन पे लेके आना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमने लगाया था ना वहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट इंटरेक्टिव दोबारा, तो ये ऐसे आना शुरू हो गया। देखिए हमने काफ़ी हद तक इसे कवर कर लिया, अब जो एरिया रह गया ना वो ये रह गया जिस पे हमने काम करना है। रिफ्लेक्शन मैच होना शुरू हो गई, अब ये सिर्फ बैक प्लेट का काम रह गया। तो उसके लिए हमें बड़ा प्यारा मटेरियल दिया हुआ है क्रोना ने, जिसको हम बेहद कहते हैं क्रोना शेडो कैचर, ठीक है। अब ये शेडो कैचर का मटेरियल हम अप्लाई कर देंगे इस प्लेन के ऊपर, और इसके अंदर बैक प्लेट के तौर पे हम इसी इमेज को लगा देंगे, और बाकी किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, और ये आपका सीन तैयार हो गया, सर, ठीक इसमें है। अगर ये खत्म करना हो इसे, ये जो आ ये रहा है शेडो है ना सन का, नहीं, ये इसके साथ भी लग रहा है, क्या ये ऊपर जो लग रहा है ये वाला शेडोज। रिफ्लेक्शन आ रही है ना, वो मैं कर देता हूँ। कैसे कि ये इसका था ना, तो हम इसको टू कर देते हैं। अब देखिए आ रहा है, नहीं वो इसी की रिफ्लेक्शन आ रही है ना इसके शेडो की। तो अगर आप इसको बिल्कुल ही नहीं देखना चाह रहे, बहुत तंग कर रहा है आपको, तो आप इसको, ठीक हो गया, वो मटेरियल का हिस्सा था। अब वो व्यूइंग एंगल भी है आपका, अब आपने यहाँ पे ये सेट कर दिया है ना, अब यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो वो कैसे रखेंगे, अच्छा एक चीज़ जो होती है ना जो तकरीबन मैच नहीं हो पाती, वो ये जो शेडोज होते हैं ना ये कम डार्क होते हैं, और बाकियों के शेडोज है ना ये थोड़े, ये आपको फिर फोटोशॉप में आपको एडजस्ट करना पड़ रहा होता है कॉन्ट्रास्ट वगैरह इसका। अब जैसा कि ये यहाँ पर कैमरा एंगल सेट हो गया, अब इस जगह पर मैं इसको टीपॉड को हाइड कर देता हूँ। अब आप बताएं क्या रखूँ यहाँ पे, मेरे ख्याल से कोई स्टैंडर्ड जो हमारे प्रिमिटिव्स हैं या कुछ एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में से कोई चीज़ रख लेते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे टॉरस नॉट है, ये टॉरस नॉट होनी इस प्लेन के अंदर अंदर चाहिए, क्योंकि इस प्लेन का काम क्या है, इसने शेडो कैच करना है, ठीक है। आपको अगर लगे कि ये शेडो बड़ा हो रहा है तो आप प्लेन को बड़ा कर लें, ठीक है, ये हो गया। अब इसको और ज़्यादा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि वो कैमरे में सही नजर आए। इसके ऊपर मैं मटेरियल को ही लगा देता हूँ, जैसा कि ये वाला, और ये ऑलरेडी इस पे लगा हुआ है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसकी रेंडरिंग स्टार्ट करूँगा, तो ये देखें ठीक हो गया। अब ये देखिएगा हो क्या रहा है, ठीक है। अब अगर तो मेरी आपने फेसबुक प्रोफाइल विजिट की है, तो उसके अंदर मैंने एक कवर फोटो लगाई थी जिसके अंदर बंदा ऐसे निकल रहा है, वो यही थी, और उसको फोटोशॉप में एडजस्ट किया हुआ था। अब आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया है, जो काफ़ी दिनों से आप परेशान थे कि यार किवें करना है, ऐसे ही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने सिंपल बैक प्लेट चेंज करनी है, उस हिसाब से कैमरा का फोकल लेंथ चेंज कर देना, लाइट आपकी सेट होगी लाइट को उस हिसाब से मूव कर देना, ठीक है, देखते हुए। अब जैसे कि हमारे पास बैक प्लेट किसी और जगह की आ रही है, किधर चली गई, ये बैक प्लेट जैसे ओपोजिट डायरेक्शन की आ रही है, जैसे ये हो गई, तो अब आपको उस हिसाब से एच डी आर आई रोटेट करनी पड़ेगी, या एच डी आर आई रोटेट करनी पड़ेगी या कैमरा पीछे लेके आना पड़ेगा, और बाकी सारी जो सेटिंग मैंने पहले आपको बताई है वो मैच करनी पड़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बन जाएगी। ये मैं दोबारा भी नहीं करके बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं दोबारा करने बैठ गया तो हमें उतना ही टाइम और लग जाना, तो इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको आपने कर लेना है, ठीक है। ये मैं आपको एच डी आर आई भी आपसे शेयर कर देता हूँ, शेरवाज़ की यूएसबी मेरे पास लगी है, तो डायरेक्ट उसको मैं सेंड कर रहा हूँ, उसके अंदर सेंड टू यूएसबी, और शेरवाज़ साहब भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप भी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ रख के दिखानी है आपने।
आप बेशक स्टैंड रख दीजिएगा, बूथ कोई कियोस्क लगा दिया, साथ दो चार बंदे खड़े कर दिए, कुछ चीजें खरीद रहे हैं रोड पे, कुछ ऐसा भी हो सकता है, गाड़ी लगा सकते हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते हैं, चेयर टेबल रख सकते हैं, अभी बस दिल कर रहा था, कुछ भी कर हम सकते हैं। एनिमेशन वगैरह भी कर सकते हैं। एनिमेशन ही सिंगल के लिए है, एनिमेट नहीं होगी है। अब आपको आपको पता है ना कितना हमने कैमरा फिक्स था वो बैक प्लेट का, तो वो कितनी टाइम लगा के हमने इस चीज़ को सेट किया, तो एनिमेशन नहीं होगी इसके अंदर। एनिमेशन के लिए फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, वो आफ्टर इफेक्ट्स आ जाती है उसके अंदर, कैमरा मैच होता है, ठीक है, वो पॉइंट टू पॉइंट कैमरा मैच करके आपको बना के देता है, फिर उसके लिए वो कैमरा मूवमेंट, जो कैमरा मैचिंग होती है, वो जाती है C4D के अंदर, उसके साथ कनेक्ट हो जाती है C4D के अंदर, फिर आप कैमरे की मूवमेंट करते हैं, वो फिर आपके बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाती है। मैंने किया नहीं हुआ लेकिन मुझे पता है कि इस तरह होता है। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है, और मज़े की बात कि मेरा मैक्स बंद नहीं हुआ इस दफ़ा, तो इसको हम कर देते हैं।